लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की सांठगांठ बड़ी मजबूती से दिख रही है। गठबंधन का साथ इस कदर दिख रहा है जैसे अब कभी गठबंधन टूटेगा ही नहीं। तो वही बुआ के बबुआ अपने पिता को दरकिनार करते हुए अपनी माया बुआ को प्रधानमंत्री बनाने पर तुले पड़े, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस देश में मायावती एकमात्र ऐसी नेता है जो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में आने से रोक सकती है और उन्हें क्षेत्रीय पार्टियों का भी समर्थन हासिल है, ऐसा बीएसपी के समर्थकों का कहना है। और बात गठबंधन की हो गई है और ऐसे में बबुआ की हालात एकदम खराब है। वो धर्म संकट में फंस गए क्योंकि हाल ही में उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा था कि वो मुलायम सिंह यादव को साल 2019 में प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। ऐसे में इस आवन के साथ ही राजनीतिक गलियारे में पीएम पद को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया है और इस वक्त अखिलेश यादव इसी संकट में फंसे हैं कि बुआ का साथ दूं या फिर पिता का। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में बाजी कौन मारता और किसके सर पर ये ताज सजता है। SBI न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।